हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना जो टैक्स डिटेल कैसे फिल करेंगे। जिन लोगों का चैनल मोनिटाइज है, जो लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे थे और जिन लोग करने वाले हैं, जिनका चैनल मोनिटाइजेशन हो चुका है, तो अपना जो टैक्स डिटेल कैसे एडसेंस में भरना है, तो आप लोग इस वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इजिली से अपना टैक्स डिटेल भर के जो है कि इस प्रॉब्लम का जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो इसमें पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको टैक्स वाले क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो है साइन अप ले लेगा ये पेज। और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कर लेना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप यूएस से हैं कि यूएस से बाहर के। तो हम लोग इंडियन है तो यहाँ पे नो कर देंगे, हम लोग यूएस से नहीं है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करते ही एक ऑप्शन और आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो डाटा फिल करना है यहाँ पे ऊपर वाले में क्लिक कर देना है। ये सब जो मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने भी कई वीडियो देखे है यूट्यूब पे और काफ़ी रिसर्च करके बाद मैंने भी ये वीडियो बनाई है। तो अभी मैं आज दो तीन दिन इसीलिए मैंने दो तीन दिन बाद ये वीडियो अपलोड किया। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे यस करके क्लिक कर देंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपका पेज लोड लेगा। फिर उसके बाद यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा और जिन लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन है उन्हीं लोगों को ये समझ में आएगा। और ये जो है आपको जो है एडसन में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन टेक्स वाला, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन दिखा दिया। यहाँ पे आपका जो नाम है आ जाएगा चैनल का और आपका जो है एडसन से लिंक नाम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में, यदि आप चैनल है तो बिजनेस की डिटेल देंगे। तो ऐसा हमारा कुछ है नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है, टीम 14 जो नंबर है यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दे देंगे। यही बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे हम लोग कंट्री, यहाँ पे फॉरेन सिप जो है, तो यहाँ पे आप लोग कंट्री अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फॉरेन टीम ये देख रहा है फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा मोटिव है, लोग नहीं समझ पा रहे यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पे जो करना है हम लोगों को अपना पैन नंबर दे देना है, क्योंकि ये जो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यूएस से जो समझौता हुआ होगा उस हिसाब से हमारा जो एडसेंस अर्निंग होगा उसमें से काटा जाएगा। तो अभी मेरा कैमरा खुल गया था, इसे कट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसे इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप लोग भर देंगे और फिल करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, इसमें 6 स्टेप दिए गए हैं, तो अभी हम दूसरे तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपना पैन नंबर दे देना है, तो हम अपना पैन नंबर जो दे देते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा, बहुत वीडियो में आप लोग देखे हैं बहुत लोग नहीं भरे हैं, तो नहीं भरेंगे तो आपका जो है कि कुछ ज़्यादा डिटेक्ट हो सकता है। तो लोग भर रहे हैं तो भर देना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है टैक्स इनकम टैक्स के जो है हिसाब से यहाँ पे डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमें फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड का डिटेल देखिए अभी खोज रहे हैं, अभी यहाँ पे डाल देंगे। तो यही जो है अभी हम यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा रहे हैं, तो अभी हम अपना फटाफट डाल दे रहे हैं। इस तरह से आप लोग ये जो है प्रोसेस कम्प्लीट कर लीजिएगा। और बहुत वीडियो में जो है पाकिस्तान के लोग जो इधर के उधर के कंट्री के हैं, तो वो लोग अपना जो डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। मैंने भी यूट्यूब पे जो बड़े बड़े चैनल है उन लोगों का वीडियो देखा है, तो वो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर लोग जो है नहीं भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पैन नंबर डाल दिया है, अब हमें नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं, आप लोग भी अपना अच्छे से मिला लीजिए और आपका जो इस अकाउंट से है, अकाउंट जिससे आप बनाए हैं उसी का ही पैन कार्ड डालिएगा, दूसरे किसी का मत डालिएगा। तो आप लोग जिसका एक गूगल एडसेंस का अकाउंट है वही अपना पैन जो है पैन नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है और आप लोग एक बार वेरीफाई अच्छे से कर लिए। यहाँ पे मैंने रोक के रखा है क्योंकि आप लोग को अच्छे से 14 समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है और यहाँ से एक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन खाली है इस बॉक्स में आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अभी हम देखिए यहाँ पे तीसरे दूसरे स्टेप पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो है कुछ स्टेप कंप्लीट हुआ है। यहाँ ऊपर जितना स्टेप आप कंप्लीट करते जाएंगे फिल होते जाएगा आगे आगे। तो इस तरह से आपको काफ़ी ईजिली से समझ में आ जाएगा और आपका जो है अप्रूव भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जो है इस अपडेट से आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, तो कोई बड़ा अपडेट भी नहीं है। लेकिन हर एक जो है कि आपके जो 14% जो 24% जो कट होने वाले थे उससे आपको कुछ जो है बेनिफिट हो जाएगा। अब इतना आपका नहीं कटेगा क्योंकि जो लीगल होगा वही कटेगा। और चार्जेस ये आज नहीं कल होने वाला था, इस पर मैंने अभी कुछ दिन में वीडियो डाली थी इसका जब अपडेट आया था।
यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। तो जिन लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन है उन्हीं को ये समझ में आएगा, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से और उन लोगों के बारे में है। और क्योंकि मेरा एक चैनल जो है मोनेटाइज है, तो इस वजह से मैं इस चैनल पे अपना जो है कि ये फिलअप करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा, आपको का हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब और एडसेंस यूज़ करते हैं उन लोगों को ये समझ में आना आ जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो में, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख के करते रहिए। और पूरा इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट ही करना है, जिन लोगों का बिजनेस है उन लोगों में थोड़ा फेर बदल है। तो लोग अपना बिजनेस पर्पज से यदि एडसेंस यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे बिजनेस अकाउंट है उनका या बिजनेस चैनल है, तो वो लोग के लिए कुछ अलग स्टेप है। वो लोग अपना कुछ अलग जो वीडियो देख के कर सकते हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये इंडिविजुअल के लिए है। तो प्रॉपर तरीके से आप इसे अच्छे से भर देंगे और हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। तो आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है मेरा लाइक करिएगा। तो यहाँ पे हमने 15% और ये जो फॉर्म 12 था ये दोनों भर दिया, और यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर लेना, आपको काफ़ी अच्छे से ये जो कंप्लीट हो जाएगा जो यहाँ पर भरना। तो यहाँ पे अभी मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है और आपका तीनों बॉक्स को आपको फिलअप कर लेना है। और यहाँ पे आर्टिकल जो 12 था उसे भी आप फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक और जो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ नंबर वाला, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको पेज लोडिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म काफ़ी अच्छे से फिलअप हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इस फॉर्म को आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, WB18 फॉर्म है, 8 फॉर्म है। और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं PDF इसका। इस तरह से आप लोग का जितना सारा डॉक्यूमेंट में आप फिल करते जा रहे हैं उस तरह से फॉर्म फिलअप होते जा रहा है। तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो हमने भी ये कर दिया, आज नहीं कल तो ये होना ही था, करना भी था। क्योंकि आप लोग जो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उन लोगों को तो ये सब डिटेल देना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स भरना भी ज़रूरी होता है, तभी देश का विकास होता है। तो ये जो है US से जो ज़्यादा आपके डॉलर अर्न होते हैं उसमें ये जो है लगेगा आपका, उसमें से आपको 50% काट लिया जाएगा। यानी कि 15% आपको जो है US से यदि आपके व्यूअर्स आते हैं और उससे अर्निंग आपकी जनरेट होती है, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करेंगे तो आपको 50% रिड्यूस कटेगा जो है टैक्स चार्ज, और खाली US के जो है व्यू से। और बाकी जो नॉर्मल था उसी तरह से आपको मिलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लोग भर दीजिए। तो यहाँ पे नो कर लेना है, और यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन नो ही रहेगा। बहुत लोग यस भी कर रहे हैं लेकिन ये नो ही रहेगा, आप लोग कोई वीडियो देखने की दरकार नहीं है। ये पूरा मैंने सिलेक्ट एकदम सही किया है, मैंने भी कई वीडियो पे रिसर्च करके तभी वीडियो मैंने भी बनाया है तो काफ़ी इजली से। तो मैंने भी बड़े बड़े यूट्यूब लोग का चैनल पे देखा, कोई जो छोटे मोटे थे उन लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है कैसे नहीं। तो मैंने इसीलिए देर से वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छे से मैंने समझा इस चीज़ को। और यहाँ पे आप लोग यदि YouTube से पेमेंट ले रहे हैं तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं ले रहे थे और जो आपका मोनेटाइजेशन है फर्स्ट पेमेंट आने वाला है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेरा भी फर्स्ट पेमेंट आने वाला है तो मैं फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करता हूँ। अब इसे आप सबमिट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यदि सेकेंड वाला सेलेक्ट करेंगे, जो लोग पेमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पर चेंज का ऑप्शन है। यहाँ पे आप तभी एक बार फिर से आप लोग पूरा प्रोसेस चेक कर लीजिएगा और सब चीज़ मिला के अपना सबमिट कर दीजिएगा। तो देखिए हमने सबमिट कर दिया, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा 100% अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग को साइड में एक न्यू फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, यदि आपको स्टार्ट यदि न्यू फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप लोग यहाँ से न्यू फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा कम्प्लीट हो गया, आपको एक मेल भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे कर सकते हैं और अपना जो है कि ये फॉर्म जो है भर के अपना कुछ जो है, तो ये फॉर्म भरने के बाद आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है एड्स भी वेरीफाई हो चुका था और ये जो है टैक्स वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। और चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।